इस लड़के ने सच में आईफिल टावर से शादी की है, कैसे बंदा पिछले 25 सालों से बस पिज्जा खाकर ही जिंदा है, और कैसे बस सब सुबह अपने बेड को टिक करने से मिलियनेयर बन सकते हैं। तो आगे बढ़ो। फैक्ट नंबर 15, ये औरत बॉक्स में क्या लेकर जा रही थी। दरअसल इस महिला को यूएस एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया क्योंकि इस बॉक्स में जिराफ का पोप था, और उस महिला ने ये भी बताया कि ये इस पोप से एक नेकलेस बनाना चाहते हैं। भाई अब ये कौन सा फैशन है। फैक्ट नंबर 14, एंशिएंट इजिप्शियन लोग हमारे जैसे ही 12 मंथ्स का कैलेंडर यूज करते थे, पर इसमें डिफरेंस ये था कि इनके हर महीने में 30 डेज थे, मतलब 365 डेज के 360 डेज हो जाते थे, और जो एक्स्ट्रा 5 डेज बचते थे इसमें लोग बस पार्टी करते थे। फैक्ट नंबर 13, मेन लेडी बग्स काफी स्टूपिड होते हैं क्योंकि इनमें हवा सी कुछ ऐसी होती है। दरअसल कई बार मेन लेडी बग्स मरे हुए फीमेल लेडी बग्स के साथ मेटिंग करते हैं वो भी 4 घंटों तक, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये मरे हुए फीमेल लेडी बग्स के साथ मेटिंग कर रहे थे। और अगर यही काम इन लोगों ने सनसेट होने के बाद किया तो ये हिल भी नहीं पाते। अभी यहाँ तक देख ही लिया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। फैक्ट नंबर 12, विनी द पू ये कार्टून चाइना में बैंड है क्योंकि चाइना के लोग यहाँ के प्रेसिडेंट जिनपिंग को विनी द पू से कंपेयर कर रहे थे। वैसे ये दोनों दिखने में सिमिलर है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम तो इंडिया में है। फैक्ट नंबर 11, इस चोर की अकल पर का घास चरने गई थी। दरअसल 18 साल के रूबेन ने चोरी का परफेक्ट प्लान बनाया, वो भी किसी बैंक का नहीं, अपने घर के पास मौजूद एक शॉप का, और सुबह होते ही वो उस दुकान में पहुंच गया और सारे एम्प्लॉयज को गन से डरा कर कहा, जितने भी पैसे मेरे हवाले कर दो वरना रिवॉल्वर रानी से भेजा खोल दूंगा। तब एम्प्लॉयज ने कहा, पैसे लॉकर में बंद है जिसकी चाबी सेठ के पास है और वो अभी तक नहीं आया, बिल्कुल जेठालाल की तरह। फिर रूबेन ने अपना फोन नंबर दिया और कहा, सेठ आने के बाद मुझे कॉल कर देना, और वो वहां से चला गया। जब एम्प्लॉयज ने कॉल करके रूबेन को बुलाया तब उसने देखा दो पुलिस वाले हाथ में डंडे लेकर उसका तेल निकालने के लिए खड़े हैं, बिल्कुल चालू पांडे की तरह। फैक्ट नंबर 10, कैसे बंदा पिछले 25 सालों से सिर्फ पिज्जा खाकर ही जिंदा है। दरअसल डैन जेंसन ये बंदा कुछ एथिकल रीजंस के कारण वेजिटेरियन बनना चाहता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, इसलिए ये 25 सालों से बस पिज्जा खाकर ही जिंदा है, और फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, और ये पतला भी है किसी डंडे की तरह। अब मत पूछना कौन से टाइप का पिज्जा चीज पिज्जा है। फैक्ट नंबर 9, अब आप लोग इस इमेज में देखकर बताइए इस पत्ती पर ये क्या है। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि मॉर्निंग क्लॉक नाम के बटरफ्लाई के अंडे हैं जो छोटे लैंड बर्ड्स की तरह दिख रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, पाइथागोरन थ्योरम भी आप सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही होगा जिसे पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था, पर असल में बात तो ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराने बेबीलोनियन टैबलेट पर मिला है जो पाइथागोरस के बर्न डेट से भी ज्यादा पुराना है। आपने सही सुना। फैक्ट नंबर 7, यूके का पीएम ऋषि सुनक स्मोकिंग की लीगल एज को हर साल बढ़ाने वाला है। नहीं समझे ना, मतलब जब आप यूके में 18 साल के हो जाओगे तब स्मोकिंग की लीगल एज होगी 19, और ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी, मतलब आप यहाँ कभी स्मोकिंग कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा तो स्मोकिंग को डायरेक्ट बैन ही कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, फ्रॉक्स भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं। दरअसल यूरोप के कॉमन फ्रॉक्स में पाया गया है कि फीमेल फ्रॉक्स और इंटरेस्टेड मेल के साथ मेटिंग नहीं करती है, और ऐसे मेल्स को इग्नोर करने के लिए फीमेल फ्रॉक्स मरने का नाटक करती है ताकि अनवांटेड अटेंशन को एस्केप कर सके। फैक्ट नंबर 5, इस वीडियो में देखिए कैसे वोल्वो कंपनी ने एक हैमस्टर को यूज किया था ताकि ये प्रूव कर सके कि इनके स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा लाइट होते हैं, और अब ये देखिए कैसे ये रोबोट एआई कंप्यूटर विजन से इतने प्रिसीजन के साथ इस अंडे को छीन देता है और वापस स्टिच भी कर देता है बिना कोई डैमेज किए। फैक्ट नंबर 4, कैसे बस आप सुबह उठकर अपने बेड को ठीक करने से मिलियनर बन सकते हैं। वैसे इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, पर एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग सुबह अपने बेड को ठीक तरीके से रखते हैं तो 206% चांस है कि आप एक मिलियनर बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अब इस वीडियो में देखिए ये जो आगे से केले जा रहे हैं ये असल में कोस्टा रिका की बनाना ट्रेन है जिसकी मदद से केलों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अब ये देखिए ये नजारा चाइना के 2023 की एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है जो दिखने में काफी असम है। फैक्ट नंबर 2, आपने शायद देखा होगा कुछ लोग ऐसे रास्ते पर अपने नेविगेशन स्किल्स को दिखाते हैं कि ये लोग हवा में फ्लोट हो रहे हैं, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक इनविजिबल स्टैंड पर बैठे होते हैं ताकि आपको पागल बना सके। फैक्ट नंबर 1, इस लड़की ने जब किया वो कोई भी और दूसरी लड़की नहीं करेगी। दरअसल इसका नाम है एरिका नेब्री और इसने शादी की है 2007 में किसी इंसान से नहीं बल्कि आईफिल टावर से, और हद तो तब हो गई जब इसने कहा कि ये इस रेड फैन से फिजिकली अट्रैक्टेड है और ये इस फैंस को प्यार से स्वीट भी बोलती है।